शहर में हरियाणा के नूह हिंसा के विरोध में गत दिनों किए गए पुतला दहन में एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाने पर एमआईएम नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे एमआईएम पदाधिकारियों ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नेताओं सहित नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि 2 अगस्त शनिवार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ हिंदू संगठनों ने जिहाद का जो पुतला जलाया उसमें हमारे लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ ही अन्य सामाजिक धर्मगुरु नेताओं का फोटो चस्पा किया गया जो निंदनीय है। उनके चित्र पर नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने जूते चप्पल मारे जिससे न केवल पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भावनाएं आहत हुई है बल्कि मुस्लिम समाज में भी नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश कोर कमेटी का डेलीगेशन यहाँ पे श्रीमान एसपी साहब से मिलने आया था और आज हमने अपनी एक मांग रखी है। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगवा रही है उसी को लेकर हम लोग आज मिलने आए हैं। एसपी साहब को हमने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया है कि इस टाइप की जो हरकतें की जा रही हैं, ये जो बौखलाहट दिख रही है कांग्रेस की बीजेपी की, इसी को लेकर हमारे जो आज एक अदीब खान जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ एक कांग्रेस की पार्षद ने झूठी शिकायत की है उसी को लेकर हम लोग मिलने आए और उनसे निवेदन किया है कि उस जो तथ्य है उसकी जानकारी ली जाए पूरे तरीके से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उसकी भी जांच की जाए, जबकि वो पार्षद जो है महिला कांग्रेस की हैं और वो झूठे आरोप लगा रही हैं, उसकी सत्यता की जाँच की जाए, उसके बाद ही प्रकरण दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। असलम खान, मध्य प्रदेश कोर कमेटी मेंबर। विगत दिनों कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा आतंकवाद के नाम पर कुछ लोगों के पुतले जलाए गए, फोटो रखकर उनको आतंकवादी घोषित करके उनके पुतले जलाए गए, उन पर चप्पलें मारी गई जिसमें एक हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे। ये वो अकबरुद्दीन ओवैसी है साहब है जो 20,000 बच्चों को निःशुल्क पहली से लेकर 12वीं क्लास तक शिक्षा देते हैं। हमारी पार्टी के पूरे देश में 15 MLA हैं, 2 MP हैं। ऐसी व्यक्ति को आप देशद्रोही आतंकवादी बता रहे हो, इसके विरोध में जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए हम आज यहाँ कोर कमेटी के सदस्य हैं। मैं एडवोकेट सोहेल आसमी, असलम खान साहब है, हारून भाई शेरी हैं। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे जाँच कर। एडवोकेट सोहेल आसमी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।